नमस्कार, न्यूज पीआर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। बात करते हैं स्पोर्ट्स जगत की प्रमुख पांच खबरों के बारे में। पहली खबर है जापान के खिलाफ भारत 2-0 से आगे, कप्तान हरमनप्रीत के बाद सिमरनजीत का गोल। जी हां, हम आपको बता दें टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय मेंस हॉकी टीम ग्रुप ए के अपने आखिरी मुकाबले में जापान के खिलाफ खेल रही है। टीम ने अब तक 4 में से 3 मैच जीते हैं। भारत क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुका है। वो इस मैच का जीत कर दूसरे स्थान पर अपना कब्जा जो है वो जमाना चाह रहा है। फिलहाल भारत ने मैच में 3-2 से बढ़त जो है वो हासिल कर ली है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पिता ने लवलीना बोरगोहेन के पदक पक्का करने पर कहा, सेल्फ डिफेंस के लिए स्पोर्ट्स में उतरी, 9 साल से ओलंपिक ही था लक्ष्य। जी हम आपको बता दें लवलीना बोरगोहेन महान बुक्केबाज मैरी कॉम की फैन रही हैं। ये महज संयोग है कि मैरी कॉम के बाहर होने के एक दिन बाद लवलीना ने पदक पक्का कर लिया। या किसी भी एथलीट के लिए भावुक पल होता है कि जब वह अपने आदर्श की बराबरी कर ले या फिर उससे आगे निकल जाए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कृणाल पांड्या के बाद युजवेंद्र चहल और कृष्णप्पा गौतम भी हुए कोरोना पॉजिटिव। श्रीलंका में ही होगा इनका इलाज। जी हम आपको बता दें श्रीलंका दौरे पर गई टीम इंडिया पर कोरोना का साया जो है वो मंडराने लगा है। ऑलराउंडर कृणाल पांड्या के बाद अब स्पिनर युजवेंद्र चहल और कृष्णप्पा गौतम भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सभी का इलाज श्रीलंका में ही चलेगा। चहल और गौतम दोनों ही प्लेयर कृणाल के संपर्क में आने के बाद आइसोलेशन में थे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीवी सिंधु पदक के करीब, अपने से ऊपर रैंकिंग वाली यामागुची को हराकर सेमीफाइनल में पहुंची। जी हम आपको बता दें स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में वुमेन्स सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जापान की अकाने यामागुची को हरा दिया है। पहला गेम उन्होंने 21-13 से जीता, वहीं दूसरे गेम में यामागुची को उन्होंने 22-20 से मात दी। इस जीत के साथ उन्होंने सेमीफाइनल में जगह बना ली। अब वो पदक से सिर्फ एक कदम ही दूर हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जोकोविच गोल्डन स्लैम से चुके दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी को सेमीफाइनल में मिली करारी हार। जी हम आपको बता दें टोक्यो ओलंपिक में टेनिस के पुरुष एकल स्पर्धा में बड़े उलटफेर हुआ है। दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को सेमीफाइनल मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। उन्हें चौथे वरीय वाले जर्मनी के खिलाड़ी अलेक्जेंडर ज्वेरेव के हाथों शिरकत झेलनी पड़ी। इस हार के साथ ही सर्बियाई दिग्गज का पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतकर गोल्डन स्लैम जीतने का सपना भी टूट गया है। स्पोर्ट्स जगत में आज बस इतना ही। बाकी के खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ पीआर। अगर आपने हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जल्द ही सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।